आई विल सजेस्ट के आप प्लेटफॉर्म अगर चूज कर रहे हैं तो आप अपना करिए। फॉर एग्जाम्पल आप किसी थर्ड पार्टी की सर्विसेज ले रहे हैं, वो कल को बैन हो गई, वो कल को कंपनी बंद हो गई, तो आपकी वेबसाइट को अफेक्ट होगा। अगर वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सपेंसेस। जहां पैसे की बात आती है वहां थोड़ा सा तो डाउट होता है कि यार चीज सही है या गलत है या आप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो लेट मी टेल यू, अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको भी पता है कहीं ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, और अगर आप डिजिटल जा रहे हो तो ये इन्वेस्टमेंट आपका एक प्रेजेंटेशन है टूवर्ड्स योर कस्टमर, और जो लोग आपके बिजनेस से इंस्पायर्ड होने वाले उन सबके लिए प्रेजेंटेशन। और अगर आप इसमें कहीं ना कुछ थोड़ा बहुत भी कंप्रोमाइज कर लेते हो वो अल्टीमेटली आपके बिजनेस को इफेक्ट करने वाला। और ये मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं। एक्सपेंसेस को बचाने के लिए कुछ कम एक्सपेंसेस हों इसलिए सर्विसेज बहुत ही ज्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट वाली सर्विसेज ले लेते हैं, या फिर कुछ ऐसी सर्विसेज ले लेते हैं कि जिसमें उनको फायदा नहीं हो पाता, फिर उसके बाद उन्हें प्रॉब्लम्स आती है। तो लेट मी शो यू फर्स्ट कि आपके एक्सपेंसेस क्या क्या आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं योर ओन प्लेटफॉर्म, जो अगर आप अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनवाते हैं तो उसमें क्या क्या एक्सपेंसेस आ सकते हैं। देखिए ये एक तो ये बेसिक चार्ज जो था ईयरली डोमेन होस्टिंग SSL, ये आपका ईयरली आना ही है, जो मैंने आपको बताया 3-4,000 में कवर हो जाए। रिक्वायरमेंट्स आपकी जो भी है, मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जस्ट लाइक अ बेसिक है या ई कॉमर्स है, उस पर डिपेंड करता है। बेसिक में अगर आप जाते हैं तो वो आपको थोड़ा कम कॉस्ट करेगा, और अगर आप ई कॉमर्स में जाते हैं वो आपको थोड़ा सा ज्यादा कॉस्ट करेगा, डिपेंडिंग ऑन कंपनीज टू कंपनीज। देखिए डिपेंड करता है कि कंपनीज टू कंपनीज और सर्विस टू सर्विस, कि आपको सर्विसेज कैसी चाहिए उस पर डिपेंड करता है। आपको 5,000 रुपीज में भी मार्केट में वेबसाइट मिल जाएगी, और आपको 25,000 में भी मिलेगी, और 50,000 में भी मिलेगी। डिपेंड करता है कि आपको सर्विसेज कैसी चाहिए, आपको डिजाइनिंग कैसी चाहिए, आपको यूआई यूएक्स का एक्सपीरियंस कैसा चाहिए, तो सारी चीजें डिपेंड करती है। ठीक है, बेसिक स्टार्टिंग जो मार्केट की एक अच्छी वेबसाइट की हो जाती है, एक बेसिक जो रिप्रेजेंटेशन वाली है, वो अप्रोक्स जो मेरा अजम्पशन है वो है 15,000 के अप्रोक्स। अगर आप जाते हैं बेसिक वेबसाइट के लिए तो आपका डोमेन होस्टिंग और ये सारी चीजें कवर अप हो जाती हैं इस चार्ज के। और अगर हम पैकेज की बात करें तो ये सारी चीजें पैकेज में मिलती हैं, इंक्लूड्स ऑल, ये सारी चीजें जो आपको मैंने बताई हैं सब आपको 15,000 के अंडर ही आपको मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं रेंटेड की, तो इसमें यहाँ पे क्या होता है ना, सब्सक्रिप्शन होते हैं। डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए, आपको भी SEO भी चाहिए, आपको मार्केटिंग भी चाहिए, आपको क्या क्या चीजें चाहिए, तो ये थर्ड पार्टीज जितना हो सकता है उतना करके देती है। ठीक है, इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, आपको उसी बेस पे चलना पड़ता है। और इसमें भी डिपेंड्स ऑन कंपनीज टू कंपनीज, कोई बहुत सस्ती भी देता है और कोई काफी कॉस्टली भी देता है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपको क्या चीज चूज करना है। I will suggest के आप प्लेटफॉर्म अगर चूज कर रहे हैं तो आप अपना करिए, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म आपका खुद का होना चाहिए। भाई अगर आप फेसबुक पे हैं तो वो भी आपका खुद का प्लेटफॉर्म नहीं है, फेसबुक किसी और की कंपनी है। आप वहां पे कस्टमर बेस बना रहे हैं, आप अपने फॉलोअर इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन वो फॉलोअर अगर ये चीजें बैन होती हैं तो आप फिर कहां जाएंगे, आपका बिजनेस बिल्कुल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका जो एक खुद का प्लेटफॉर्म होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी थर्ड पार्टी की सर्विसेज ले रहे हैं, वो कल को बैन हो गई, वो कल को कंपनी बंद हो गई, तो आपकी वेबसाइट को अफेक्ट होगा। अगर आपका खुद का प्लेटफॉर्म है तो वो कहीं नहीं जाने वाला, जितने लोग उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं आप उनको एकदम रीच कर सकते हैं, एकदम उनसे बात कर सकते हैं। और अगर कहीं और कोई और सा प्लेटफॉर्म आप अपग्रेड करवा रहे हैं तो वहां पे आप अपने कस्टमर्स को भेज सकते हैं। तो आपका खुद का प्लेटफॉर्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो सोशल मीडिया है, ये जो आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यहाँ से आप अपनी ऑडियंस को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। खाली इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलोअर्स बढ़ाना या फिर आपको लाइक्स बढ़ाना, वो आपको बिजनेस नहीं देने वाला।
आपको बिजनेस देगा कि वहां से आप अपनी जो भी लोग देख रहे हैं वहां से आप उन लोगों से कहें कि आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए। वहां पे वेबसाइट पे आदमी जब आया है तो ये है कि आप उसको दोबारा रीटारगेट कर सकते हैं, दोबारा रीमार्केट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपके सोशल मीडिया पे आया तो वो आपके फोटोज लाइक करने आया है या फिर आपको फॉलो करने आया है, वो आपको बिजनेस मुश्किल से देगा, ठीक है, देगा लेकिन इतनी आसानी से नहीं देगा। तो होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपके एक्सपेंसेस क्या क्या हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि जब अब हमारा प्लेटफॉर्म रेडी हो गया तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, उसके बाद हमें कौन सी मार्केटिंग करनी है। सबसे पहले इनिशियल मार्केटिंग कौन सी है, अब हमारे बिजनेस के लिए, हमारे प्लेटफॉर्म के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या जरूरत है, गूगल पे, फेसबुक पे क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी है, क्या क्या एक्शन ऐसे हैं जो हमें लेने हैं। तो मिलते हैं अगले मॉड्यूल में, दैट इज ऑर्गेनिक मार्केटिंग।